काम है। उसके अंदर विषय वासना नहीं है। यमनाष्टक में गाते हैं ना, शुक मयूर हंस आदि भी, ये तीनों के नाम रखे गए क्योंकि उन तीनों में एक विशिष्टता है। शुक जैसे स्मरण भक्ति का स्वरूप है, रटन करता जाता है, हंस के अंदर भी विशिष्टता रही हुई है कि वह दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। मयूर में भी विशिष्टता रही हुई है कि उसमें कोई विषयाशक्ति नहीं है। तो नवम स्कंद में ईशानु कथा यानी भगवत भक्तों का चरित्र है। भगवत भक्त कैसे होते हैं? निष्कामी। तो वह जो मयूर नवम स्कंद का सूचक है, श्रीनाथ जी की पीठिका में विराजमान जितने भी चिन्ह हैं उन सब की संगति श्री महाप्रभु जी ने दशम स्कंद के साथ की है। हर एक की संगति, फिर वह सर्प हो, मयूर हो, गाय हो, मुनि हो, सिंह हो, सबकी संगति श्री महाप्रभु जी ने दशम स्कंद के साथ भी की है। क्योंकि दशम स्कंद में कई लीलाएं जैसे गौचारण आदि, कालिया मर्दन, गौचारण के समय में भी 10 प्रकार के रसों का दान भगवान ने दिया, वो सब हम आगे दशम स्कंद में देखेंगे। तो श्री महाप्रभु जी ने सभी चिन्हों की संगति दशम स्कंद के साथ भी की है। श्रीनाथ जी की पीठिका में एक सर्प है, वह एकादश स्कंद यानी 11वें स्कंद का सूचक है। 11वां स्कंद यानी मुक्ति लीला। सर्प की एक विशेषता बताई गई कि जब सर्प की उसकी जो स्किन, जो काछली जो बोलते हैं, जब वो बदलने का समय आता है और जब तक वो पुरानी अपनी जो उसका स्वरूप, जो उसकी काछली है, उसकी चमड़ी वह निकाले नहीं, जब बदलने का समय आया, जब तक वह नूतन स्वरूप को धारण न करे, तब तक वह अंध हो जाता है, वह उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जब तक जीव के ऊपर अहमता ममता रूपी काछली से जीव युक्त है, तब तक उसको भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। वह जो एकादश स्कंद यानी मुक्ति लीला, और जब अहमता ममता छूटे तभी सही मायने में जीव मुक्त होता है, इसलिए वह सर्प एकादश स्कंद का सूचक है। और 12वां स्कंद यानी श्रीनाथ जी का ऊपर उठा हुआ हाथ, जिससे जीवों का भगवान वरण करते हैं, उनको बुलाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भागवत है, श्रीमद भागवतारोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, महात्म्य में कहा गया कि यह श्रीमद भागवत कृष्ण का ही स्वरूप है। यह जो पीठिका में विराजमान चिन्ह है वह नवधा भक्ति का भी स्वरूप है। श्रीनाथ जी की पीठिका की भावना के हम दर्शन करें तो बड़े सुंदर भाव बताए कि ये जो सर्प है, कि सर्प वह श्रवण भक्ति का स्वरूप है। सर्प जो होता है आंख से सुनता है, चक्षुश्रवा है। उसी प्रकार से ठाकुर जी भी विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप कभी कभार दर्शन देते हैं। जिस प्रकार से सर्प आंखों से सुनता है, उसी प्रकार से भगवान भी अपनी किसी भी इंद्रियों से कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य कर सकते हैं।
जैसे हम केवल आंखों से देख पाते हैं, कानों से सुन सकते हैं, जिह्वा से बोल पाते हैं, लेकिन भगवान अपनी कोई भी इंद्रियों से कोई भी कार्य कर सकते हैं, ये भगवान का विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है। तो ये जो पीठिका में सर्प है वह श्रवण भक्ति का स्वरूप है, शुक वह कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। तीन मुनि जन जो विराज रहे हैं वह स्मरण भक्ति का स्वरूप है। श्रीनाथ जी के पीठिका में विराजमान मेष वह पाद सेवन भक्ति का स्वरूप है। मयूर वह अर्चन भक्ति का स्वरूप है। दूसरा सर्प वह वंदन भक्ति का स्वरूप है कि जैसे जब भगवान ने काली नाग का मर्दन किया तो फिर वह कालिया ने भगवान को वंदन किया, तो वह सर्प वंदन भक्ति का स्वरूप। पीठिका में विराजमान एक गाय वह आत्मनिवेदन भक्ति का स्वरूप है। दूसरी गाय दास्य भक्ति का स्वरूप है। श्रीनाथ जी की पीठिका में विराजमान सिंह वह सख्य भक्ति का स्वरूप है, जो निकुंज लीला का रक्षक है, निज जनों के सिवाय निकुंज में किसी को प्रवेश न करने दे, इसीलिए वह सिंह सख्य भक्ति का स्वरूप है। और ये जो श्री गिरिराज बाबा श्री यमुना जी की लहरें वह प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप है। इस प्रकार से श्रीनाथ जी का स्वरूप अगाध है और भागवत वह श्रीनाथ जी का ही स्वरूप है। श्री आचार्य चरण ने श्रीमद् भागवत के विशिष्ट अर्थों को, भागवत के अर्थों को प्रकाश करने के लिए विशिष्ट प्रकार से दो ग्रंथों की रचना की, जिस अंतर्गत सर्वनिर्णय प्रकरण में से भागवतार्थ प्रकरण तत्वार्थ दीप निबंध अंतर्गत तीन प्रकरणों के विभाग बताए, जिसमें एक प्रकरण शास्त्रार्थ, दूसरा सर्वनिर्णय और तीसरा है भागवतार्थ। तो श्री महाप्रभु जी ने एक तो ये निबंध के अंतर्गत भागवतार्थ प्रकरण प्रकट किया और दूसरा है श्री सुबोधनी जी, जिनमें से श्री महाप्रभु जी ने भागवत के सात प्रकार के अर्थ बताए, श्रीमद् भागवत का सात प्रकार से मंथन किया। शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे वाक्ये अध्याये पदेक्षरे, शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे ध्याये वाक्ये पदेक्षरे एकार्थम सप्तधा जानन न विरोधे न मुच्यते। सात प्रकार से श्रीमद् भागवत जी का श्री महाप्रभु जी ने मंथन किया। उन सात अर्थों में से चार अर्थ श्री महाप्रभु जी ने भागवतार्थ प्रकरण में प्रकट किए, शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे और वाक्ये, इन चार अर्थों का निरूपण भागवतार्थ प्रकरण में श्री महाप्रभु जी ने किया और बाकी बचे तीन अर्थ अध्याये पदे और क्षरे, उन तीन अर्थ श्री महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में प्रकट किए। सात प्रकार से मंथन किया और सातों की एक रूपता बताई, ये बड़ी विशिष्ट बात है जो केवल हमारे श्री वल्लभाचार्य जी ने किया। श्री महाप्रभु जी तो स्पष्ट रूप से ये आज्ञा करते हैं कि मेरा प्रागट्य भागवत के गूढ़ अर्थों को प्रकट करने के लिए हुआ। तो सात प्रकार से अर्थ करने, शास्त्र स्कंध, इतने स्कंध क्यों है, इतने प्रकरण क्यों है, अक्षर का क्या मतलब है, इस वाक्य का क्या मतलब है, इतने अध्याय इसमें रहे हुए हैं उसका क्या भावार्थ है,
एक एक पद और एक एक अक्षर का अर्थ श्री महाप्रभु जी ने इस प्रकार सात प्रकार से भागवत का मंथन किया। श्री आचार्य चरण आज्ञा करें सुबोधनी जी में, इदं भागवतम नाम पुराणम वेद सम्मितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। यह श्रीमद् भागवत वेद तुल्य है, वेद प्रतिपादित है। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी लीलाओं से युक्त है। और उत्तम श्रोता और उत्तम वक्ता वही है जो ये श्रीमद् भागवत में रही हुई तीनों भाषा, उन तीनों भाषाओं का विरोध न देखे, तीनों भाषाओं को एक दृष्टि से देखे, वह उत्तम जीव, उत्तम वक्ता और उत्तम श्रोता है। देखिए भागवत की तीन भाषाएं बताई गई, एक है लौकिक भाषा, परमत भाषा या मतांतरी भाषा कहें, और एक तीसरी है समाधि भाषा। श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं उत्तम वक्ता और उत्तम श्रोता वही है जो तीनों भाषाओं को एक रूप देखे, उनमें भेद न रखे, भगवत लीलाओं को समझाने के लिए जहां कहीं लौकिक दृष्टांतों का प्रयोग किया गया, जहां लौकिक बात जैसी हमको लगती है वह लौकिक भाषा है। जहां किसी के द्वारा सुनी हुई या किसी के द्वारा कही हुई कथा का निरूपण हो रहा है, ऐसे संवाद जहां भागवत में आते हैं वह है परमत भाषा। और तीसरी भाषा समाधि। निबंध की कारिका में श्री महाप्रभु जी कहते हैं, एषा समाधि भाषा ही व्यासस्याम इति तेजसः लौकिकी चान्य भाषा च समादेहे पौषिके तुते। मतलब लौकिक परमत भाषा ये दोनों समाधि भाषा के ही पोषक हैं। जब समाधिस्थ व्यास जी हुए तब यह दो भाषाएं भी उनको अपने रूप से ही व्यास जी ने दर्शन किया, अनुभव किया, इसलिए समाधि भाषा भागवत तृतीय। इसलिए संपूर्ण भागवत यह समाधि भाषा युक्त है। श्री महाप्रभु जी ने प्रमाण चतुष्टय में भागवत का स्वीकार किया। वेदाः कृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासश्च प्रमाणं तच्चतुष्टयम्। जगद्गुरु श्रीमद्वल्लभाचार्य जी के पूर्व तीन प्रमाणों के आधार माने जाते, शास्त्रार्थ के लिए आचार्य गण तीन ग्रंथों को प्रमाणित रूप से मानते, जिसमें वेद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र। पर श्री महाप्रभु जी ने प्रमाण चतुष्टय प्रकट किया, समाधि भाषा व्यासश्च प्रमाणम चतुष्टयम्। प्रमाण चतुष्टय के रूप में श्रीमद् भागवत का स्वीकार किया, जिसका पूर्ण विस्तार हमें श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन चरित्र अंतर्गत, जब उनको अखंड भूमंडलाचार्य जगद्गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य आचार्य की पदवी जब मिली, मायावाद का खंडन किया विद्यानगर में, उस समय प्रमाण चतुष्टय के रूप में श्रीमद् भागवत को प्रतिपादित किया। श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, उत्तर पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम। इस शास्त्रार्थ प्रकरण की कारिका में श्री महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा करते हैं,
कि चारों प्रमाण पूर्व के संदेहों को निवृत्त करते हैं। जैसे वेद में बताया गया कि अपाणी पादौ जवनौ गृहीता, तो इस यह जो वाक्य है, यह जो वेद में जो श्रुति बताई गई, इसका अर्थ यह होता है कि भगवान अपाणी पादो, यानी भगवान के पाणी पाद यानी हाथ पांव नहीं है। तो यहां पे यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या भगवान के हाथ पांव नहीं है? पाणी पाद से क्या भगवान रहित हैं? तो वेद में ये जो श्रुति आई, इसका निरूपण, इसका निराकरण गीता जी के वाक्य से हुआ। सर्वतः पाणिपादांतम, कि ब्रह्म के प्राकृत पाणिपाद नहीं है, अप्राकृत आनंद स्वरूप भगवान के हस्त चरणारविंद है। जिस प्रकार से हमारे हस्त, हमारे लौकिक इंद्रियां मल मूत्र आदि, रक्त आदि से बनी हुई हैं, लेकिन भगवान की जो इंद्रियां हैं यह प्राकृत तत्वों से नहीं बनी है, अप्राकृत है, केवल आनंद के लिए है। तो वेद की जो श्रुति, जो मंत्र आई, उसका निरूपण निराकरण गीता के इस श्लोक के द्वारा हुआ। उसी प्रकार से गीता जी में कहा गया कि नित्य सर्वगत स्थाणुम, और दूसरी जगह यह बात आई कि ममैवांशो जीवलोक जीवभूत सनातना। तो इन गीता जी के दो श्लोकों में दो अलग अलग बात के दर्शन होते हैं। एक जगह यह बात आई कि जीव व्यापक है, जीव अचल है, और दूसरी जगह बात आई कि जीव भगवान का अंश है। श्री महाप्रभु जी ने निबंध में बताया कि भगवान का अंश है और जीव कैसा है, अणु रूप में है। वेदों में बताया गया चिद मात्र हरेरंश, जितने भी चित्त चैतन्य जीव इस संसार में हैं वो भगवान के अंश हैं। यानी उन चैतन्य जीव में, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, जितने भी चेतन जीव हैं वह भगवान के अंश हैं, और वह अंश, वह अणु सब में एक समान विद्यमान है। किसी में ज्यादा या किसी में, हम मनुष्य हैं तो हम में ज्यादा, पशु पक्षी में कम, ऐसा नहीं है। वह अंश सब में एक समान विद्यमान है। तो एक जगह गीता में कहते हैं कि भाई ये जीव व्यापक है, दूसरी जगह बताया जीव अंश है। तो इन दुविधाओं को कैसे दूर किया जाए, तो इसका निरूपण ब्रह्म सूत्र के उत्क्रांति गत्या गति नाम इस सूत्र से बताया गया कि जीव ब्रह्माशत्व, ब्रह्माशत्वम के निर्णय से जीव अंश है। इसी प्रकार से ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयो नित्वात्, इस सूत्र द्वारा माया शबलित ब्रह्म का जगत कारणत्व है, ऐसा निरूपण किया गया। तो क्या इस जगत की उत्पत्ति करने के लिए भगवान ने माया का आश्रय लिया? इस जगत की उत्पत्ति में क्या ब्रह्म और माया दोनों सम्मिलित हैं? ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है इस सूत्र के द्वारा। कई मायावादी ऐसे भी हुए जिन्होंने ये कारण बताया इस ब्रह्म सूत्र के, इस सूत्र का ये अर्थ किया कि हाँ, इस जगत का कारण ब्रह्म माया युक्त होकर इस जगत का निर्माण किया, इसलिए इस जगत को मिथ्या बताया। कई ऐसे आचार्य भी हुए, शिव जगत गुरु शिव वल्लभाचार्य जी के पूर्व, जिन्होंने जगत को मिथ्या रूप में बताया। तो ये जो ब्रह्म सूत्र का जो वाक्य आता है, जिसका निर्देश श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा
इस श्लोक से किया गया कि केवल ब्रह्म ही इस जगत का कारण है और भगवान ही इस जगत के निमित्त और उपादान कारण है। तो भागवत के द्वारा सर्व संदेहों का निवारण हो जाता है। इसलिए अष्टादश पुराणों के मध्य में यह भागवत एक चक्रवर्ती महापुराण के स्वरूप में है। जिसका निराकरण गीता, ब्रह्म सूत्र या वेद में न हो सके, उसका निराकरण यह भागवत के द्वारा हो जाता है। इसलिए इसको महापुराण के रूप में प्रकट किया और श्रीमद् भागवत पंचम वेद के रूप में भी इसको बताया, क्योंकि वेद, ब्रह्म सूत्र आदि के अधिकारी हर एक सामान्य मनुष्य नहीं है, लेकिन भागवत के अधिकारी तो प्रत्येक जीव है। इसलिए यह श्रीमद् भागवत वैष्णव शास्त्र है। इस श्रीमद् भागवत में भगवान की 10 प्रकार के लीलाओं का वर्णन किया। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद के माध्यम से उसका निरूपण किया। श्री भागवत सकल गुण खाना, 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 सर्ग विसर्ग स्थान रूप शरण, सर्ग विसर्ग स्थान रूप सकल गुण खान, यह श्रीमद् भागवत सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने वाला, वेद, ब्रह्म सूत्र, गीता आदि में जब जीव दुविधा में आ जाता है, बड़े बड़े पंडित लोग उनके अर्थों को समझ नहीं पाते, पर यह श्रीमद् भागवत सब संदेहों को दूर कर देता है। इसलिए कहा भागवत सकल गुण खान, भागवत सकल गुण खान, श्री भागवत सकल गुण प्रलय मुक्ति आश्रय, ये दस लक्षण होय, ये दस लक्षण होय, उत्पत्ति तत्व सर्ग सो जानो, तत्व सर्ग स
ब्रह्म कृत विसर्ग है सोई, ब्रह्म कृत विसर्ग है सोई, ब्रह्म कृत विसर्ग है सोई, श्री भागवत सकल गुण है दान, श्री भागवत सकल कृष्ण वासना होती जानो,